मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी जिस तरह कब्रिस्तान में कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो तुम्हारे घर के अंदर नमाज ना पढ़ी जा रही हो तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। तो घरों के अंदर मुसल्ले होने चाहिए, घरों के अंदर माँ भी नमाज पढ़े और घर के बड़े अफराद भी और बाप भी, तो बच्चे फिर सीखेंगे और खुद मुसल्ले पे खड़ा होना शुरू होगा। इब्तदान वो यूं ही मुसल्ले पे आएंगे। इमाम गज़ाली फरमाते हैं हर अमल पहले रिया होता है, फिर आदत बनती है, फिर इबादत बनती है।